हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड ट्रेडर सुशांत बैक विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिमांडिंग वीडियो है फॉर इंट्राडे प्लेयर्स एंड स्विंग प्लेयर, कि इसमें आपको एक स्टॉक में क्या हलचल चल रहा है, उसमें ऑपरेटर का क्या योगदान चालू है, मतलब योगदान इज़ अ कॉमेडी वर्ड आई कैन से, मतलब क्या हिस्सेदारी चालू है, वो आपको पता चल जाएगा। मैंने विप्रो का चार्ट सिलेक्ट किया, और कभी भी देखना, जब भी आपको ऑपरेटर और बिग प्लेयर की चाल फाइंड आउट करना है और उसका सप्लाई डिमांड फाइंड आउट करना है वो स्टॉक में, वो इंडेक्स में, तो आप मोस्टली 30 मिनट्स और 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंसी दिख जाती है वो चार्ट में, कैंडल के साइज़ के हिसाब से और बहुत चीज़ों के हिसाब से आपको पता चल जाता है। तो अभी देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ऑपरेटर और रिटेलर में डिफरेंस क्या है। ऑपरेटर एक ऐसा इंसान है, उसके पास पैसों की कमी नहीं, 5,000 करोड़ आराम से एक जन के पास, ऑपरेटर के पास, एक बिग प्लेयर के पास रहेंगे। तो वो इंसान को क्या करना है, वो स्टॉक को बहुत ही ड्रास्टिकली नीचे गिरवाएगा और ऊपर चढ़वाएगा। वो कौन से मीडियम के द्वारा कर सकता है, आइदर डेरिवेटिव, मतलब विप्रो के ऑप्शन बाय और सेल करके, और एल्स कैश में, फ्यूचर में जाके, इक्विटी में बहुत कम है, फ्यूचर में जाके ही करते हैं। तो ऐसे दो मीडियम से कर सकता है। तो अभी आप एक डिमांड और सप्लाई जोन, ये जोन के हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं अभी, मतलब समझो कि ये ऑपरेटर ये जोन में ये स्टॉक को मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आइदर वो क्या करता रहेगा, ये जोन मतलब 410 का, मे बी 410 का और 400 का, 400 के आसपास का, 410 400 के आसपास का, वो क्या करेगा, पुट सेल आउट करता रहेगा हैवी क्वांटिटी में, गेटिंग इट, और ये जोन के मतलब 450 का कॉल शॉर्ट करता रहेगा और इसके नीचे लाता रहेगा, और इधर इधर से फ्यूचर सेल करता रहेगा और इधर से फ्यूचर बाय करता रहेगा, ऐसे कोई भी सीन हो सकता है। तो इसके वजह से एक चार्ट मोमेंटम देता है और वो मोमेंटम को अपन ट्रैक करते जाएंगे। एंड ये मोमेंटम से आपको क्या समझ में आता है, दैट विल आई टीच यू। तो अभी आप देखो कि ये जोन में फर्स्ट टाइम हुआ है, ये जोन से आप देखो 1 आवर के टाइम में फ्रेम में कितना फटाक से ड्रास्टिकली लेवल में आया, मतलब 450 से 400 के आसपास कितने फटाक से ड्रास्टिकली आया, सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल 1 आवर के टाइम फ्रेम में। उसको चढ़ने के लिए कितना दिन लगा, ऊपर गया, नीचे गया, इधर रुका, फिर से ऊपर गया, गेटिंग इट, और फिर से जो नीचे वाली रैली वो स्टार्ट कर दिया। तो अभी देखो अपने को क्या करना है कि मोमेंटम देखो, ये जो मोमेंटम है ऊपर जाने का, ये जो भी मोमेंटम है ऊपर जाने का वो नॉर्मल रिटेलर लोग ने किया है, और ये जो भी नीचे लाने का मोमेंटम है वो कोई बिग प्लेयर ने किया है, क्योंकि इतना बड़ा शॉर्ट सेलिंग अचानक से नहीं आता, उसमें कोई भी ऑपरेटर का और बिग प्लेयर फंड्स के कोई ना कोई हाथ रहते ही है। अभी ये देखो सेम ये लेवल के आसपास आ गया और कैंडल देखो कितने बड़े बड़े फॉर्म आए, तो ये जो भी लेवल क्रिएट होते हैं गाइज वो बिग प्लेयर के लेवल है, इसको आपको मार्क करना है, तो ये जोन क्रिएट हो जाता है। तो अभी देखो फिर से ये लेवल के आसपास रहा है, आप इधर से कोई भी लेवल पर ट्रेड कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग से। तो अभी देखो, अभी ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, मैं अभी आगे लेके चलता हूँ आपको, ये देखो फिर से ये लेवल के आसपास आ गया, कितना ड्रास्टिकली सेल ऑफ हुआ एंड नीचे आ गया, और फिर फाइनली ये लेवल ब्रेक कर दिया है 16 अप्रैल को, एंड कितना बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, एंड अभी ये ऊपर ही सस्टेन करेगा। तो अभी आप ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो बाइंग भी कर सकते हैं, और आपको हाई वॉल्यूम भी दिखेगा जब भी ब्रेक किया रहेगा। देखो वॉल्यूम की बढ़ोतरी बहुत दिख रही है ये लेवल में, जब भी से ब्रेक कर रहा है तब भी से वॉल्यूम की बढ़ोतरी देखो कितना बड़ी है, वॉल्यूम का कैंडल ही देखो कितना बड़ा है। तो ऐसे चीज़ों को आप देख के, कितना बड़ा वॉल्यूम है वो देखो, 4 करोड़ के आसपास रहेगा आई गेस, इसने बाइंग के इधर अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, तो मतलब बहुत सही है, ब्रेकआउट विद अ वेरी हाई वॉल्यूम। तो ये जो डिमांड सप्लाई जो ने फाइनली ब्रेक कर दिया और इधर से बाइंग में भी ये स्टॉक आ गया। मेरे पास और एक एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं फिर से ये एक रिकैप कर देता हूँ, इसका ओवरऑल मतलब क्या है। अभी ये जोन जो भी क्रिएट हुआ है इसका ओवरऑल मतलब क्या है कि शॉर्ट सेलिंग इतना जिधर से फटाफट आता है वो लेवल मार्क कीजिए। इसका मतलब क्या है, ये लेवल एक अच्छा खासा डिमांड जोन, क्योंकि ये किसने क्रिएट किया, ऑपरेटर ने क्रिएट किया। अभी देखो इसके बाद कितने माइनर छोटे छोटे लेवल क्रिएट हो गए इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये भी एक थोड़ा बहुत अच्छा खासा लेवल है, ये देखो ये वाला लेवल देख लो, दो बार उसने ये लेवल से पुल बैक दिया है, बट ये कैसा माइनर लेवल है, ये माइनर, इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, गेटिंग इट, बट ये जो भी मैंने जो इम्पोर्टेंट लेवल किया है ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल है,
विच वन, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस वन जस्ट अ माइनर वन, इसका कोई मतलब नहीं है, ये नॉर्मल रिटेलर लोग नहीं किए, बट जो भी बड़े लेवल है, इधर से इतना शॉर्ट सेलिंग, इतना फटाफट कैंडल फॉर्म हुआ, मतलब क्या है, ये ऑपरेटर का ही है, आपका नॉर्मल रिटेलर लोगों का नहीं है। अभी लास्ट में भी देखो आप कितने बड़ा शॉर्ट सेल आ गया, एक ही दो कैंडल में गाइस, एक और ये दो कैंडल में 50 पॉइंट नीचे आ गया, ये तो बीच का देखो चौपीनेस हो गया, बट दो तीन कैंडल में 50 पॉइंट उसने निकाल दिए। तो ये जो भी चीज़ है वो बड़े प्लेयर के ही किए हुए। मैं और एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट मी गो टू TCS, आई गेस मैंने मार्क किया था TCS में ही, ये देखो TCS में क्या दिखता है, TCS में आप 1 आवर का टाइम फ्रेम में ये लेवल देखो, इधर से कितना बड़ा शॉर्ट सेलिंग आता है ये लेवल से, ये देखो ड्रास्टिकली गिर गया, देखो ड्रास्टिकली गिर गया, और यही लेवल के आसपास वो जाके एक सपोर्ट लेता है, यही जोन के आसपास, तो ये जोन के आसपास ही क्यों लेता है, लेवल से क्यों रिटर्न होता, इसका मतलब क्या है गाइस, ये लेवल के ऑप्शन वो लोग खरीदते हैं और बस बेचते हैं, मतलब क्या समझो कि जो भी 33,000 का जो भी पुट रहेगा वो सेल आउट करते रहेंगे, इसीलिए ये जोन के आसपास से क्या होता है मार्केट, और सॉरी TCS स्टॉक अपर साइड में मोमेंटम देता है। अभी देखो फिर से ये जगह से बड़ा शॉर्ट सेलिंग आया एंड उसके बाद फिर से ये लेवल के बाद पुल बैक आ गया, तो इसका मतलब क्या है गाइस कि ओवरऑल ये स्टॉक है ये लेवल की इन बिटवीन ही ट्रेड करता है, आपको ये लेवल के बाद जब भी ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए, और नहीं तो देखो ये लेवल के बाद ड्रास्टिकली कितने बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हुए हैं, कितने बड़े बड़े TCS में कैंडल फॉर्म हुए, 3-4 कैंडल में उसने पूरा इधर तक आ गया, और इसको चढ़ने में कितना टाइम लगा इतना, बट उतरने के लिए कितना लगा, सिर्फ 5-6 कैंडल बड़े बड़े आ गया लेवल पे। तो यही डिफरेंस है गाइज, ऐसे लेवल आपको मार्क करने, इन समझो कि फ्यूचर में ये लेवल इन द फ्यूचर ब्रेक होता है 332 का, तो आपको बाइंग में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आप आइदर क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हो, बिग प्लेयर के जो भी फुटप्रिंट के लेवल है इसका यूज़ क्या कर सकते हो, आइदर आप बाइंग के लिए ध्यान रखो उधर से, और ये लेवल के बाद ऐसा ही कोई भी बड़ा कैंडल फॉर्म हो गया ट्रायंगल पैटर्न देखने का, और एल्स एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म करके उसका ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाइए। तो यही है आज के वीडियो के लिए, आई गेस आपको पता चला मैंने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको एग्जांपल नहीं दिए हैं, दो ही स्टॉक के दिए, बट बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई किया है। आई होप आपको पता चले ऑपरेटर की चाल कैसे रहती है, ऑप्शन और डेरिवेटिव के इस्तेमाल करके कैसे आपको फंसाया जा सकता है, आप आइडिया आपने ले लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, इफ़ आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट डाउन में पूछे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय। This could be us. So back to what I was saying. Could be us.